अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, दिस इज शहजाद रसूल सज्जन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सज्जन यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्लैक फ्राइडे सेल प्रोमो 2020 एनिमेशन इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स समथिंग लाइक दिस। सो वी आर बैक इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक बहुत बड़ी सेल लगाई जाती है, जहां पर बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए जाते हैं सभी शॉपिंग मॉल्स में, इलेक्ट्रॉनिक पर, हर चीज़ पर। इसे हम व्हाइट फ्राइडे सेल के नाम से भी जानते हैं, और भी कुछ नाम दिए हैं इस सेल को लोगों ने अपने अपने कंट्री के हिसाब से। और ये सेल हर साल नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्ट में लगाई जाती है। तो इस साल 2020 में 27th ऑफ नवंबर 2020 को लगाई जा रही है दुनिया भर में। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। आप इस एनिमेशन का आइडिया लेकर काफ़ी सारी एनिमेशंस बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड किसी भी तरह की सजेशन, रिक्वेस्ट या कंप्लेन के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें, ताकि लेटेस्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स जो फ्यूचर में आने हैं उन सब की अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको एसेट्स दिखाऊं। तो एसेट में एक बैकग्राउंड का जेपैग है, और फायर के कुछ फुटेजेस हैं, ग्लिच है, और एक मेरा अपना लोगो है। ये एसेट्स आपको मिल जाएंगे, और एक मेरे पास प्रोडक्ट फोटो है। हम एक सीन क्रिएट करेंगे, बाकी के सीन आप खुद क्रिएट करेंगे उसको देखते हुए। सो एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन, एंड एज यूजुअल नेम मेन कॉम एंड साइज 1920x1080, 30 फ्रेम रेट पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड ड्यूरेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज एनी ड्यूरेशन एंड देन ओके। और इसके साथ ही एक और न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट प्लेस होल्डर भी आप लिख सकते हैं। 1080x1080 साइज लेंगे यहाँ पर, एंड देन ओके। प्रोडक्ट फोल्डर से मैं अपना प्रोडक्ट फोटो ड्रॉप करूँगा टाइमलाइन में। आप जो भी फोटो अपना यूज़ कर रहे हैं वो फोटो यहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे। स्केल मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मेन कंपोजिशन में वापस आएंगे, टाइमलाइन में राइट क्लिक करें या कंट्रोल वाई प्रेस करके एक न्यू सॉलिड क्रिएट करें, सॉलिड का नेम बीजी एंड देन ओके। ब्लैक कलर का सॉलिड मैंने लिया सिंपल। एंड आफ्टर दिस एसेट का फोल्डर ओपन करें, बैकग्राउंड जे पैक को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, और एस प्रेस करेंगे एंड स्केल 105 कर लेंगे। बैकग्राउंड जे पैक पर टी प्रेस करना है ओपेसिटी के लिए, और ओपेसिटी हमने इस तरह से कम कर लेना है लाइक 30 तक। एंड आफ्टर दिस प्रोडक्ट वन को ड्रॉप करना है टाइमलाइन में, टाइमलाइन को थोड़ा जूम इन भी करेंगे और पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए 20 फ्रेम्स के ड्यूरेशन पर, पोजीशन पर की फ्रेम एंड जीरो ड्यूरेशन पर पोजीशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट एंड मेक इजी इज, या आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। ग्राफ एडिटर में आएंगे, ग्राफ का लुक अगर इस तरह से नहीं है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ ले लें। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, और यहाँ पे लुक कुछ इस तरह से बनाएंगे ग्राफ का। ओके, इट्स परफेक्ट। आफ्टर दिस क्रिएट एन अदर कंपोजिशन एंड नेम प्राइस टेक्स्ट वन एंड साइज 560x630। रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पे फिल सॉलिड कलर, मैं रेड कलर ले रहा हूँ फिलहाल, कलर हम चेंज कर लेंगे बाद में। एंड स्ट्रोक जीरो, डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पर एंड लेयर को एक्सपेंड करें। रेक्टेंगल पाथ वन में आएंगे, साइज के सामने कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन या साइज लिंक आइकॉन पे क्लिक करके डिसेबल कीजिए, और हमने इसका हाइट 210 कर देना है।
तो अलाइन में आ जाएं। ये अलाइन अगर आपको अपने वर्क स्पेस में नज़र नहीं आ रहा तो आपने सिंपली विंडोज़ पे जाना है और यहाँ पे आप अलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको अलाइन मिल जाएगा। सो एनीवे यहाँ पे हम अलाइन टॉप कर लेंगे एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर है इसे हम सेंटर ही रहने देंगे। लेयर का नेम चेंज करके शेप टॉप लिख लें और फैक्टेंट प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे। फिल में कलर आप अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे, मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसी शेप को डुप्लीकेट करेंगे, अलाइन बॉटम कर लेंगे और नेम चेंज करके बॉटम एंड अगेन डुप्लीकेट करेंगे। इस टाइम पे अलाइन वर्टिकली सेंटर एंड नेम चेंज करके सेंटर। तो आपके लिए थोड़ा और इजी कर देता हूँ मैं, आप शेप टॉप लेयर को सबसे ऊपर ले आएँ, शेप सेंटर को सेंटर में रहने दें और शेप बॉटम नीचे आ जाएगा। शेप सेंटर को सिलेक्ट करें और कलर यहाँ पे ब्लैक कर लेंगे। अभी हम टेक्स्ट टूल लेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना परसेंटेज लिखेंगे, जितने परसेंट भी डिस्काउंट दे रहे हैं या जो भी आपके क्लाइंट की डिमांड है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 70% ऑफ और फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा रोबोटो। आप अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज़ करेंगे, सेम फॉन्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोबोटो बोल्ड, एंकर पॉइंट सेंटर, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, हॉरिजॉन्टली हम इसे सेंटर कर लेंगे। लेयर को एक्सपेंड करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करना है आपने एंड ट्रैकिंग लेना है और यहाँ पर ट्रैकिंग टाइप बिफोर एंड आफ्टर है यही आपने सिलेक्टेड रखना है। जीरो ड्यूरेशन पर ट्रैकिंग अमाउंट पर की फ्रेम देंगे, ट्रैकिंग अमाउंट -100 एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर ट्रैकिंग अमाउंट 0। ओके, रेन सिलेक्टर 1 को एक्सपेंड करें, एडवांस को एक्सपेंड करें और शेप यहाँ पे रैंप अप कर लेंगे। ओके, टेक्स्ट लेयर पर यू प्रेस करें ताकि हमें दोनों की फ्रेम नजर आए। सिलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, प्रेस F9, मेक इजी इज एंड ग्राफ एडिटर में लुक हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस, इट्स परफेक्ट। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे और नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हम अपना वो प्राइस लिखेंगे जो प्राइस हम दे रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आपको शूज़ दिखाया है, एक शूज़ सेल कर रहे हैं और उसकी PKR प्राइस है 3000, तो वो हम 2000 में सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹999। ओके, अगेन टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और कलर हम वाइट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ₹2999, साइज थोड़ा बड़ा कर लें टेक्स्ट का। एंकर पॉइंट सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर। शेप सेंटर को टेक्स्ट लेयर का पेरेंट करेंगे ये वाले टेक्स्ट लेयर का एंड शेप सेंटर पर पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, 1 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम एंड 0 ड्यूरेशन पर पोजीशन लेफ्ट साइड पर। तो अगर ट्रांसपेरेंसी ग्रिड एक्टिव करें एंड सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ओके, कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं, हम पेन टूल लेंगे, यहाँ पे फिल हम नन कर लेंगे एंड स्ट्रोक 5, फर्स्ट क्लिक यहाँ पर एंड सेकंड क्लिक यहाँ पर, स्ट्रोक 15 एंड स्ट्रोक का कलर प्योर वाइट। एंकर पॉइंट टूल लेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करें और एंकर पॉइंट लेफ्ट बॉटम कर लें। शेप लेयर का नेम चेंज करके लाइन लेयर को एक्सपेंड करेंगे, लाइन लेयर को ऐड पे क्लिक करके ट्रिम पाथ्स लेंगे। ट्रिम पाथ्स एक्सपेंड करके 0 ड्यूरेशन पर स्टार्ट पर की फ्रेम देंगे एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर स्टार्ट का वैल्यू 100% एंड एंड का वैल्यू 0%। ओके, सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज, ग्राफ एडिटर में लेफ्ट साइड का पॉइंट सेलेक्ट करें और इसका शेप कुछ इस तरह से बनाएंगे लाइक दिस। मेन कंपोजिशन में वापस आएंगे, प्रोजेक्ट पैनल से प्राइस टेक्स्ट 1 को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में और इस साइड पे प्लेस करेंगे समथिंग लाइक दिस। मोशन ब्लर एक्टिव करेंगे, अगेन प्राइस टेक्स्ट में वापस आएंगे, सभी लेयर का मोशन ब्लर आपने एक्टिव करना है और मेन कॉम्प में अभी ये देख रहे हैं मोशन ब्लर वर्क कर रहा है यहाँ पर। ओके, प्रेस टेक्स्ट 1 पर पी प्रेस करेंगे 20 फ्रेम्स के ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम एंड 0 ड्यूरेशन पर पोजीशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड लाइक दिस। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज, ग्राफ एडिटर में लुक थोड़ा सा चेंज। ओके, इट्स परफेक्ट। टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। मैं अपने प्रोडक्ट का नेम लिख रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट का नेम है
ब्राउन लेदर शूज़। ट्रैकिंग एंड लीडिंग आप थोड़ा सेट कर लें, साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें। ओके, और हम इसे यहाँ पे प्लेस करेंगे समथिंग लाइक दिस। आफ्टर दिस कॉलर सेलेक्टर नहीं, टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने क्रिएट करना है। इस तरह से आप ड्रैग करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे समथिंग लाइक दिस। और मैं यहाँ पे लोरेम स्पर्म का टेक्स्ट यूज़ करूँगा। डमी टेक्स्ट साइज़ छोटा कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, मैं टेक्स्ट का वर्जन यहाँ पर रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। ट्रैकिंग एंड लीडिंग हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। पैराग्राफ में जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट कर लेंगे। सो दोनों टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड प्री कंपोज कर लें। यहाँ पे टेक्स्ट वन आएगा, सिंपली मूव अल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। डबल क्लिक करके ओपन करें टेक्स्ट वन को, मेन टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे एंड लेयर को एक्सपेंड करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे एंड ओपेसिटी लेंगे, अगेन क्लिक करके पोजिशन लेंगे, रेन सेलेक्टर वन को एक्सपेंड करेंगे, जीरो ड्यूरेशन पर ऑफसेट पर की फ्रेम देंगे, ऑफसेट का वैल्यू -100 एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर ऑफसेट का वैल्यू +100 करेंगे एंड ओपेसिटी 0%। एडवांस को एक्सपेंड करके शेप रैंप अप कर लेंगे और पोजीशन हमने थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाना है समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी इज, प्रेस F9 एंड ग्राफ एडिटर में लुक थोड़ा सा आपने चेंज करना है ग्राफ का, ज़्यादा नहीं। ओके, इट्स परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें, एक्सपेंड करें और यहाँ पर भी एनिमेट पे क्लिक करके ओपेसिटी एंड पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, रेन सेलेक्टर वन को एक्सपेंड करेंगे। हमने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, जीरो ड्यूरेशन पर ऑफसेट पे की फ्रेम वैल्यू -100 एंड 1 सेकंड ड्यूरेशन पर ऑफसेट का वैल्यू +100, ओपेसिटी 0%। थोड़ा सा टाइम इंडिकेटर पीछे लेके आएंगे और यहाँ पे पोजीशन नीचे की साइड ले लेंगे और एडवांस को एक्सपेंड करके शेप रैंप अप कर लेंगे। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड यहाँ पे भी ग्राफ एडिटर में लुक चेंज करेंगे थोड़ा समथिंग लाइक दिस, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा चेंज करेंगे लाइक ग्रे टाइप समथिंग लाइक दिस। मेन कंपोजिशन में वापस आएंगे। आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम लोगो 1, विड्थ 600 एंड हाइट 200 एंड देन ओके। यहाँ पे आप अपना लोगो ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, एस प्रेस करें, स्केल छोटा कर लेंगे। मैं लोगो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड एक्टिव कर रहा हूँ ताकि लोगो को सेट कर सकें, बिकॉज मेरे लोगो में ये ब्लैक कलर है तो बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आफ्टर दिस टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे जस्ट अपना नेम लिख रहा हूँ। आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपका कंपनी नेम है। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लें, कलर प्योर वाइट एंड रोबोटो ब्लैक यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। ट्रैकिंग लीडिंग थोड़ा सेट कर लें, एंकर पॉइंट सेंटर यहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, नीचे ले आएंगे और यहाँ पे मैं लाइट वर्जन यूज़ करूँगा टेक्स्ट का। एडिट करके मैं सिंपली क्रिएटिव डिज़ाइनर लिख रहा हूँ, आप अपना टैग लाइन लिखेंगे, साइज़ थोड़ा छोटा, एंकर पॉइंट सेंटर और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इसको। ओके, मेन कॉम्प में वापस आएंगे और लोगो 1 को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, लोगो हमारा यहाँ आएगा। एस प्रेस करें, स्केल छोटा कर लें समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे, 1 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम, 0 ड्यूरेशन पर पोजीशन लेफ्ट साइड पर। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, प्रेस F9, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ आइकॉन्स इंपोर्ट किए हैं, हम इनको एसेट के फोल्डर में ड्रॉप कर लेंगे, ये भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, कंपोजिशन का नेम सोशल, सेम सेटिंग हम यही वाली रखेंगे एंड देन ओके। सबसे पहले मैं फेसबुक आइकॉन को ड्रॉप करूँगा, एस प्रेस करेंगे और स्केल छोटा कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। शिफ्ट को प्रेस करके इस साइड पे प्लेस करेंगे और नीचे टाइमलाइन में फेसबुक PNG को डुप्लीकेट करेंगे, एरो कीज़ के साथ राइट साइड पे ले आएंगे और आल्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे एंड इंस्टाग्राम के साथ रिप्लेस कर देंगे।
गेन डुप्लीकेट करेंगे इंस्टाग्राम को, राइट साइड पे लेके आएंगे और ट्विटर आइकॉन के साथ आर्ट को प्रेस करके रिप्लेस कर देंगे। टेक्स्ट टूल लेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं टाइप करूँगा फॉलो अस, एंड ट्रैकिंग ज़्यादा है इसको हम कम कर लेंगे लाइक दिस, एंकर पॉइंट सेंटर, और यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे। मेन कंपोजिशन में वापस आएंगे एंड सोशल कंपोजिशन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, और हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। एस प्रेस करें, स्केल 85, एंड फैक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे, फिल में कलर वाइट, आई थिंक स्केल थोड़ा और कम कर लेते हैं लाइक दिस। की प्रेस करेंगे, पोजीशन पर की फ्रेम देंगे 1 सेकंड पर, जीरो ड्यूरेशन पर पोजीशन राइट साइड पर, सिलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, आफ्टर दिस एसेट के फोल्डर से वेब आइकॉन को ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, एस प्रेस करेंगे, स्केल समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पर प्लेस करेंगे वेबसाइट आइकॉन को, स्केल थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम एरो कीज़ के साथ, जूम इन कर लें कंपोजिशन को, और एक्स टू लेके यहाँ पे हम वेबसाइट लिखेंगे। मैं जस्ट अपना वेबसाइट लिख रहा हूँ, आप अपना वेबसाइट लिखेंगे या क्लाइंट का या जो भी आप लिंक देना चाह रहे हैं, और मैं यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट का ही लाइट इटैलिक यूज़ करूँगा, और हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरह से। वेब पीएनजी को आप पेरेंट कर लेंगे टेक्स्ट का, और वेब पीएनजी पर पी प्रेस करके 1 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम, 0 ड्यूरेशन पर पोजीशन नीचे की साइड, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करें, F9 से इजी ईज करें, ग्राफ एडिटर में लुक चेंज कर लें ग्राफ का। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं गाइज, बहुत ईजिली आप बना लेंगे ये एनिमेशन। ओके, अभी हमने पहले अपना ट्रांजिशन बनाना है, और ट्रांजिशन बनाने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स फिर दोबारा करनी है। एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना है ट्रांजिशन 1, और यहाँ पे साइज 1920x1080 आएगा। टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड आपका इनेबल है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप कर सकते हैं। पेन टूल लेंगे, स्ट्रोक का कलर प्योर ब्लैक, फिल नन, एंड स्टॉक का साइज 50 कर लें, बाकी हम चेंज कर लेंगे। फर्स्ट क्लिक आप यहाँ पे करेंगे शिफ्ट को प्रेस करके, सेकंड यहाँ पर, स्टॉक 50 भी कम है, हम इसे इंक्रीज करेंगे समथिंग लाइक दिस, एंकर पॉइंट सेंटर, शेप लेयर का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैं शेप 1 लिख रहा हूँ, हम इसे टॉप पे प्लेस करेंगे, लेयर को एक्सपेंड करेंगे, एड पे क्लिक करके ट्रिम पाथ्स लेंगे, ट्रिम पाथ्स को भी एक्सपेंड करना है, एंड का वैल्यू 0% कर लें, स्टार्ट पे की फ्रेम दें, टाइमलाइन को जूम इन करें और 20 फ्रेम और 15 फ्रेम्स पर स्टार्ट का वैल्यू 100%, सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज, ग्राफ एडिटर में लुक हमने चेंज करना है इस तरह से, ये आप शेप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, डुप्लीकेट करेंगे शेप लेयर को और एरो कीज के साथ आप नीचे ले आए, और इसके साथ बिल्कुल अटैच होना चाहिए। अगेन डुप्लीकेट करें और सबसे नीचे ले आएँ, यहाँ पर शेप 2 को थोड़ा और नीचे, और इसके स्ट्रोक का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें ताकि ये कवर हो जाए। ओके, शेप 1 एंड 3 दोनों को फ्यू फ्रेम का डिस्टेंस देंगे। ओके, मेन कॉम्प में आए, ट्रांजिशन 1 को सबसे ऊपर आपने ड्रॉप करना है टाइमलाइन में, और इसका मोड नॉर्मल से स्टेंसिल अल्फा कर लेना है। अगर मोड का ऑप्शन नहीं है तो F4 प्रेस करें अपने कीबोर्ड पर, प्रोडक्ट 1 एंड प्राइस टेक्स्ट 1 दोनों लेयर को सिलेक्ट करके U प्रेस करेंगे, इनके की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आएंगे, और यहां से इनका लुक हम चेंज करेंगे इस साइड को, तो अभी ये परफेक्ट है। कुछ चीज़ें हमें एनिमेशन के साथ साथ चेंज करना पड़ती हैं, सो एनीवे एसेट का फोल्डर ओपन करें, फायर सीन डॉट मूव नाम का फुटेज जो है उसको हम ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में प्राइस टेक्स्ट 1 के ऊपर, और इसका मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर देंगे। इट्स परफेक्ट, और प्रोडक्ट 1 को ड्रैग करके फायर सीन के ऊपर ले आएंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट और प्रोडक्ट के पीछे से आकर इसके ऊपर इस तरह से घूमे, और फायर सीन पर एस प्रेस करके स्केल थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे समथिंग लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस फायर नेम फुटेज को ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट 1 के ऊपर, यहाँ पर भी मोड नॉर्मल से स्क्रीन कर लेंगे, और इसे हमने प्लेस करना है 1 सेकंड पर,
एरो कीज के साथ आप इसको थोड़ा सेट करेंगे लाइक यहाँ पर, और टेक्स्ट वन में आएंगे, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा हमने नीचे ले आना है, एंड आफ्टर दिस ग्लिच एफेक्ट्स फुटेज को ड्रॉप करना है हमने बैकग्राउंड जेपैक लेयर के ऊपर, और यहाँ पर भी मोड नॉर्मल से चेंज करके हम ऐड करेंगे। बैकग्राउंड जेपैक को सिलेक्ट करें, टी प्रेस करें, ओपेसिटी 30 किया था हम यहाँ पे 50 कर देंगे, और ग्लिच एफेक्ट्स पर टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे ओपेसिटी हम 50% कर देंगे। तो ग्लिच के कुछ एलिमेंट्स हैं जो साथ साथ यहाँ पे अपीयर होंगे। सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, बीजी सॉलिड के अलावा जितने भी लेयर्स हैं सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड प्री कंपोज करेंगे, और यहाँ पे नेम सीन वन, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। तो ये फर्स्ट सीन हमारा क्रिएट हो गया, बाकी के सीन आपने इसी तरह से क्रिएट करने हैं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे आपने प्रोमो में देखा, आप ये वाला जो एरिया है जिसमें ये प्रोडक्ट नेम है, डिस्क्रिप्शन है, फायर फुटेज है, लोगो है, या ये वेबसाइट लिंक है, इस सारे एरिया को आप इस साइड पे ले आएँ, राइट साइड पे ले आएँ, और राइट साइड वाला एरिया लेफ्ट साइड पर ले आएँ, और अपना जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा चेंज कर लें, मींस के ये शूज़ हैं और ये लेफ्ट साइड को हैं, राइट साइड को कर लें। इस तरह से आप बहुत सारी चेंजेस करके मज़ीद काफ़ी सारे सीन्स बना सकते हैं, या इसी सीन को डुप्लीकेट करके सेम उसमें सिर्फ टेक्स्ट और प्रोडक्ट चेंज करके, नाम चेंज करके भी बना सकते हैं। सो एनीवे, यहाँ पे हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उसके लिए एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, नेम चेंज करके CC कर्व अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे RGB लाइन को थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की साइड, यहाँ पर नीचे, और लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड पर, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। और मैं ये सीन 6 सेकंड का रखूँगा, मैं यहाँ पे एंड प्रेस कर रहा हूँ, वर्क एरिया एंड यहाँ पर हो जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल प्रोमो 2020 एनिमेशन, हमने Adobe After Effects में बनाया। आप ड्यूरेशन अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, डिपेंड करता है अपनी प्रोडक्ट पे या आपके एनिमेशन पे, आप किस तरह की एनिमेशन बनाने जा रहे हैं, किस तरह का स्टोर है या किस तरह का क्लाइंट है। इस एनिमेशन के एसेट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एसेट ले सकते हैं। और ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगेबान।